वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, तेज धूप के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। लखनऊ में कल की बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड से लोगों को निजात मिलती नजर आ रही है और सबसे प्रदूषित शहरों में लखनऊ बरकरार है। हल्की बारिश के बावजूद भी काफी प्रदूषण है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 पहुंच चुका है। नमी और धीमी हवा के कारण प्रदूषण बढ़ा है। तो लखनऊ में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज धूप खिली नजर आ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी से भी राहत मिली है। कल की बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है आज, और कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। हालांकि प्रदूषण का स्तर बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स और अधिक खराब हो गया है। नमी और धीमी हवा की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, 406 पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मौसम निदेशक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे पर। सबसे पहले आपका, जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे ठंड से निजात जरूर लोगों को मिली है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी खराब हो गया है। जी हेलो सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जीपी जी, हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड से लोगों को निजात मिली है जो बारिश हुई उसके बाद, लेकिन जो वायु की गुणवत्ता है लखनऊ में वो खराब हो गई है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे, क्या है इसके पीछे की वजह? अभी तो जैसे कि पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात थी, अभी भी वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात रहेगी आज और कल दो दिन, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जो है बादलों की आवाजाही रहेगी, बीच बीच में धूप निकलेगी। और जहां तक आपने एयर क्वालिटी की बात किया, तो चूंकि अभी एटमॉस्फेयर में नमी है और नमी के कारण जो हवा में पॉल्यूशन के कण है वो चिपक करके छाए हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी है। जेपी जी, क्या आने वाले दिनों में भी मौसम करवट ले सकता है, बारिश की संभावना बन रही है? नहीं, बारिश की अभी आगे अभी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बारिश दो से तीन दिन तक रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे बताया कि बादलों की आवाजाही रहेगी, बीच बीच में धूप भी निकलेगी, लेकिन ऐसे तीन से चार दिन बाद जो है तापमान में गिरावट आएगी और ठंड फिर बढ़ेगी। जेपी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।